आज हम बात करने वाले हैं PT365 आर्ट एंड कल्चर के बारे में। हमने इससे पहले एक लेक्चर ले लिया है जो कि फर्स्ट पार्ट पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट है पूरी। और सेकंड है हमारा पेंटिंग और अदर आर्ट फॉर्म्स। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है केव पेंटिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिली है, जो कि लोग बोल रहे हैं कि 45,500 ईयर्स अगो मिली है। और ये एक लाइमस्टोन केव में मिली है जो इंडोनेशिया में एक जगह है, लियांग टेडोंगंग। ठीक है, तो प्रोनंसिएशन आप देख लो ना इसका क्या है, एक्यूरेट क्या है। इसमें न्यूज़ में और क्या है कि केव पेंटिंग जो अनकवर्ड है साउथ सुलावेशी में, वो कंसिस्ट करती है लाइफ साइज डिपिक्शन ऑफ वायथी पिग। इसमें मतलब जितने भी लाइफ की इंसिडेंट है वो शोकेस हुई है। प्रीवियसली की बात करूँ तो पुरानी डेटेड रॉक आर्ट जो सीन मिली है वो 43,900 ईयर्स अगो मिली है, जो कि डिपिक्ट करती थी हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल बींग जो कि हंटिंग चल रही थी सुलवेसी में, वाटी पिक्स और डॉव बोविट्स। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। अगर क्लासिफाइंग करें इंडियन स्टोन एज को, तो ये अगेन ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ही, आर्ट एंड कल्चर के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 20 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक जो है वो लोअर पैथोलॉलिक एज है, जो ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है इसको। फिर 1 लाख से 40,000 BC मिडिल पेलोलिथिक एज है, और फिर आपका अपर पैलोलिथिक एज है जो 40,000 से लेके 10,000 तक जाता है। 10,000 के बाद आपका चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है। 10,000 से लेके 7,000 BCE जो है वो आपका मेसोलिथिक एज है, जो कि अभी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं है। फिर नियोलिथिक आता है 7,000 BCE से लेके 2,000 BCE। अब केव पेंटिंग क्या है इंडिया में वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो जो पुरानी सबसे पेंटिंग है अपर पैलोलिथिक, मतलब 40,000 BC से लेके 10,000 BC, वो मोस्टली जो है मिली है। और ये मेसोलिथिक केव पेंटिंग में मिली है। रिचेस्ट पेंटिंग जो रिपोर्ट करी गई है वो विद्या रेंज में मिली है जो मध्य प्रदेश का है, और कैमूरन एक्सटेंशन मिला है जो उत्तर प्रदेश में। टेक्निक्स जो यूज़ हुई थी वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। दो तरह की टेक्निक होती है, पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रॉक ऑफ मिनरल मिला था जो कि पाउडर और वाटर के साथ मिक्स करके बनाया जाता था। और उसके बाद यहाँ पे ब्रशेस भी मिले हैं जो प्लांट फाइबर के बने हैं। बाद में क्या हुआ, लेटर हिस्टोरिक पेंटिंग में क्या हुआ, फ्रेस्को सेसोस टेक्निक यूज़ होने लगी, जहाँ पे पिगमेंट्स जो ऑर्गेनिक बाइंडर की यूज़ होते थे उसको मिक्स करा जाता था लाइम के साथ, फिर वो अप्लाइड करा जाता था ड्राई प्लास्टर पे, जिसको फ्रेस्को बुनो बोलते हैं। और पिगमेंट जो थे वो अप्लाई करा जाते थे वेट वॉल पे। ये टेक्निक इटली में अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, तो नाम से ही फैंसी लग रहा है। सैलियंट फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एनिमल्स फिगर्स आ रहे थे, देन ह्यूमन फिगर्स। तीन कैटेगरीज थी, मैन एनिमल और ज्योमेट्रिक। वेवी लाइन्स थी, रेक्टेंगल फिल्ड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन था, और ग्रुप ऑफ डॉट्स थे। थीम क्या था इनके, इनके डे टू डे हंटिंग या कुछ भी डांस कर रहे हो उन पे था ये। और कुछ सुपर इम्पोजिशन था पेंटिंग का। ह्यूमन जो रिप्रेजेंट करते थे वो स्टिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे, और कुछ पेंटिंग वॉश पेंटिंग थी बट मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न पे थी। वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और के पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ऐसे कलर यूज़ होते थे। ज़्यादा एनिमल जो थे वो फिगर्स थे, देन ह्यूमन फिगर्स जो हमने बात कर ली है। ये प्री हिस्टोरिक की बात है। अब हिस्टोरिक पेंटिंग की देख लेते हैं। इसमें बेसिकली जो टाइपोलॉजिकल वेरिएशन था केस में, और इनका मेन थीम रिलीजन, माइथोलॉजी, पैलेस सीन। तो थीम देखो आप कितना बदल गया, पहले डे टू डे लाइफ लाइफ थी प्री हिस्टोरिक में, और इसमें तो माइथोलॉजी पे बात है, रिलीजन पे बात आई है, बड़ी सारी चीज़ें। फॉरल मोटिव था जो नियर था सीलिंग, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन,
इसमें कलर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे येलो हो गया, ऑर्के हो गया, बट कुछ कलर जैसे अलग है, इंडिगो अलग हो गया, लैम्प ब्लैक मतलब काजल, चॉक वाइट, वाइट तो कॉमन हो गया, ग्रीन भी कॉमन हो गया, रेड ऑर्के है। जो मूवमेंट थी फिगर में वो रिदमिक थी, वाइब्रेंट और ल्यूमरस कलर थे, ब्राउन थिक डार्क लाइंस थी जो यूज़ होती थी कंटूर के लिए, बहुत सारे स्किन कलर्स यूज होते थे, लाइंस फोर्सेबली और फुल ऑफ एनर्जी थी, हाईलाइट करती थी फिक्चुरल कॉम्पोजिशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और मतलब घुसते हैं इस चीज़ में, यहाँ पे एवोल्यूशन कैसे हुआ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का, ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल आइकॉनिक एनिमल ह्यूमन फॉर्म्स अपीयर होते थे पहली बार, अपर पैलोलिथिक की बात कर रहा हूँ, अपर पैलोलिथिक आप देख लो 40,000 से 10,000 तक, और मेसोलिथिक और न्योलिथिक, मेसोलिथिक उसके बाद आता है मतलब जैसे आप देख लो कि 10,000 के बाद से लेके 7,000 BCE, तो ये मेसोलिथिक हो गया, और न्योलिथिक 7,000 के बाद आई थिंक 2,000 तक का जाता है, ठीक है। तो ये बात का सिनेरियो है। तो यहाँ पे अपर पैलोलिथिक में सिंपल आइकॉनिक एनिमल और ह्यूमन फॉर्म अपीयर करते थे, एनिमल जो थे वो नेचुरल आउटलाइन पे शो कर रहे थे, और ह्यूमंस जो थे वो डायनामिक एक्शन पे हंट करते थे और डांस करते थे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था, जो कैरेक्टराइज परफेक्ट एस शेप ह्यूमन फिगर्स थे वो डिपिक्ट करते थे एक्टिविटीज जैसे हंटिंग, डांसिंग, रनिंग। अपर पार्ट ऑफ रॉक्स जो थे वो शेल्टर जो थे वो मोस्टली पेंटेड थे। अब मेसोलिथिक की बात करते हैं, मेसोलिथिक में क्रिएटिविटी एक्सप्लोड हुई, किस फॉर्म में, मोटिव डिज़ाइन और फिगर्स जो कि जेंटली फ्लोइंग फाइन लाइंस में रिफ्लेक्ट करते थे डायनेमिक एक्शन। हंटर्स जो थे वो सिंपल क्लोथ्स पहनते थे और ऑर्नामेंट्स, एलैबोरेट हेड ड्रेसेस और मास्क जो थे आई थिंक वुमेन्स पहनती थी। एनिमल फॉर्म नेचुरल रिस्टिक डिपिक्शन था, जो ह्यूमन फिगर था वो स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट था, मेल जो फिगर थे वो स्टिक लाइक थे, जो वुमेन थी वो बल्कि बॉक्स की शेप में थी, जिसमें कुछ इंट्रिकेट बॉडी डिज़ाइन था जैसे स्पायरल या हनीकॉम्ब। मिथिकल स्टोरी थी जो डिपिक्ट करती थी ह्यूज डिफाइड एनिमल्स और ह्यूमंस का चेजिंग वाला चीज़, और मेडिकल ट्रीटमेंट और बरियल एक्टिविटीज़, डांस, प्रेग्नेंट वुमेन्स और चाइल्ड बर्थ और मदर विथ चाइल्ड वो भी ड्रॉ होती थी। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, लखा जोर जो फिशिंग सीन था फैमिली की फिस्टिंग हंट में, भीमबेटका मैजिकल ट्रीटमेंट जो इल पर्सन का था, और चतुर्भुज नाथ नाला एक डायनामिक आर्चर्स था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है न्योलिथिक केव पेंटिंग, ये पेंटिंग बेसिकली सेंस को लूज करती है मूवमेंट में, फिगर्स में और रेपिटेटिव साइंस में, ह्यूमंस और एनिमल यहाँ पे बहुत स्टाइलिश हो गए और सिमेटिक हो गए। साइज जो था वो रिड्यूस हो गया, बट कुछ फिगर्स बहुत बड़े थे। हंटिंग सीन्स दे बट हंटिंग जो एक्ट था वो लार्ज ग्रुप का था, वो एब्सेंट हो गया। अब क्या हुआ है, सॉलिटरी हंटर दिखाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल चतुर्भुजनाथ नाला जो है चैरियट उसमें अपीयर हो रहे हैं, कुप गल्लू और पिकली हल और तेलक कोटा ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अदर एग्जांपल क्या है केव पेंटिंग के, यहाँ पे हम थोड़ा और आगे आ गए, न्योलिथिक से भी बढ़ गए थोड़ा आगे, क्योंकि 1st सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अजंता एक सर्वाइविंग एग्जाम्पल है पेंटिंग का जो 1st सेंचुरी BCE में आया था। सब्जेक्ट जो मैटर है इन पेंटिंग का वो एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट, एक्सेप्ट जो डेकोरेटिव पैटर्न था वो दिखाता था सीलिंग्स और पिलर्स पे बुद्धा। तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जब स्टार्ट होता है 5th से 6th सेंचुरी, तो यहाँ पे बहुत डेकोरेटिव केव्स बनाए गए थे जो कि ओरिजिनल ग्रुप पे ऐड करे थे, मतलब अजंती पे ऐड करे गए थे। नेक्स्ट जो है अजंता, मतलब अजंता केव्स में ऐड करे गए थे। नेक्स्ट जो है वो बाग केव्स है, बाग केव्स लोकेटेड है बगनी रिवर में। ये केव कंटेन करते हैं बुद्धिस्ट पेंटिंग और रिलिक्स जो कि 5th से 7th सेंचुरी
तक डिपिक करते हैं। मोस्टली सिग्निफिकेंट कौन सा केव है? केव नंबर 4, जिसको नाम दिया गया है रंग महल, प्लेस ऑफ कलर्स। नेक्स्ट जो केव है वो है बादामी केव्स। ये चालुकाय से बनाया था, सदर्न किंगडम में आ जाता है ये थोड़ा सा। बादामी कैपिटल था चालुकाय डायनेस्टी की, 14-3 से लेके 598 CE में आ गया। ये जो पेंटिंग है वो दिखाती है लॉर्ड शिव को, और यहाँ पे जो पहले ब्राह्मणिकल पेंटिंग है जो बिलोंग करती है 6th century AD है, वो भी मिली गई है। कुछ फेमस केव पेंटिंग देख लेते हैं इंडिया में क्या क्या है। पहला है शितवंशल, एक इम्पोर्टेंट है रॉक कट जैन टेंपल जो पांड्यन एरा में था 9th century में, पुडिकोटी में है ये, तमिलनाडु में। ये केव पेंटिंग डेडिकेटेड थी जैन थीम्स के और सिंबॉलिक थी बहुत। नेक्स्ट जो है एलोरा केव्स, बहुत फेमस है ये। ये केव शो करती है अन इंटरप्टेड सीक्वेंस जो मॉन्यूमेंट्स के थे जो 600 AD से लेके 1000 AD तक जाते हैं। इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन टेंपल्स, और इसका मेन जो थीम था पेंटिंग का वो सेंटर था 3 रिलीजन पे। एलिफेंटा और घरापुरी केव्स जो हैं वो केव्स कंस्ट्रक्टेड थे मिड 5th to 6th century AD। ये हार्बर करते हैं हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल, और यहाँ पे जो रिमेम्स हैं बुद्धा का स्तूपा वो एलिफेंटा में प्रॉब्ली बिलोंग करता है आर्ली फेज बुद्धिज़्म के 2nd century BC। फेमस केव पेंटिंग में बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ टू बिल्कुल साउथ तक जाते हैं। नॉर्थ से बात करें तो सस्पाल केव्स है लेह में, उसके बाद उत्तराखंड पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे लुखदीरा केव्स है जो कि अल्मोरा में है। फिर हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ पे भीम बेटका केव्स है, इम्पोर्टेंट है, भोपाल में है ये। और मध्य प्रदेश में ही आडमगढ़ हिल्स है जो होशंगाबाद में है, और फिर बाघ केव्स भी है जिसके बारे में हमने बात करी है अभी। फिर हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ मिलता है, वहाँ पे जोगीमारा केव्स है और पेंटिंग्स मिली है। और वेस्ट की तरफ जाएं तो आपको महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अलोरा केव्स, अजंता अलोरा केव्स मिलती है, और पुणे में लैद्री केव्स पेंटिंग मिलती है, और मुंबई में एलिफेंटा केव्स मिलती है। फिर आप साउथ में और जाते हो तो आपको कर्नाटका मिलता है जिसमें बादामी केव्स है, बागलकोट। फिर आप और साथ में जाते हो तो आपको शीतन वंशल पेंटिंग मिलती है जो पुडुकोटाई मिलती है जो हमने अभी पढ़ा, तो इसको आप देख सकते हो, ऐसे इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ पे एक रिलेटेड न्यूज़ है जो सुलवेसी आर्ट के बारे में हमने बात करी थी सबसे पहले कि बहुत पुरानी पेंटिंग मिली है, वो ये डिस्कवर्ड हुई है वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो डिस्कवर्ड हुई है इंडोनेशिया में। इसकी पेंटिंग की इमेज आप देख लो, यहाँ पे कुछ आई थिंक बुल टाइप का कुछ है, और यहाँ पे स्टिक फॉर्म में इंसानों को दिखाया जा रहा है, हंट कर रहे होंगे प्रॉब्ली, अभी ऐसा कुछ दिखाया है। ये के पेंटिंग का अगर बात करें डेटिंग तो 45,000 ईयर्स से भी ज़्यादा की बताई जा रही है। ये डिपिक्ट कर रहा है एक अच्छा वी वैटती पिक्स है जो एंडेमिक थे सुलवेसी आइलैंड में इंडोनेशिया का, जहाँ पे पेंटिंग मिली है। ये पेंटिंग जो फाउंड हुई है वो लाइमस्टोन केव में पाई गई है, और ये रेड ऑका पिगमेंट की थोड़ा यूज़ करी गई है, तो तभी ये रेडिश में पूरा दिखा रहा है। डिपिक्शन जो है सुलवेसी वाटी पिक्स वो इम्प्लाई करता है कि कैसे एनिमल्स इंपॉर्टेंट थे एंशियंट ह्यूमन के लिए। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूरेनियम सीरीज आइसोटोप एनालिसिस, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड को आप डिपॉजिट जो है वो फॉर्म नेचुरली होता है केव सरफेस पे, और वो डिटरमाइन करता है इसकी एज। तो ये टेक्निक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुलवेसी आइलैंड जो कुछ में बहुत ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड रॉक आर्ट मिले हैं जो वर्ल्ड में मिले हैं, और कुछ ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हैं जो प्रेजेंस देते हैं होमोजेनियस बियॉन्ड द साउथ ईस्टर्न लिमिट्स, जो आइस एज एशियन कॉन्टिनेंट का डिपिक करते हैं। प्रीवियसली ओल्डेस्ट पेंटिंग जो है वो 45,000 ईयर्स ओल्ड है, जो डिपिक करती है पिग और बफेलो की, जो सुलवेसी में मिली है। होमिनिन्स बेसिकली मॉडर्न ह्यूमंस थे जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, ह्यूमन स्पेशीज,
और इमीडिएट एंसेस्टर्स जो थे, केव और रॉक पेंटिंग जो थे वो पेंट होते थे केव पे या रॉक वॉल्स पे, सीलिंग पे, और वो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में मिले गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडियन ट्रेडिशनल टॉयज़। इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एग्जम्प्ट कराए हैंडीक्राफ्ट और जोग्राफिकल इंडिकेटर्स टॉयज़ का फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ताकि वो फुलफिल करें अपना विजन जो बना रहे हैं इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे सेल और एक्सपोर्ट हो टॉयज़ का। तो स्टेटस पहले जान लेते हैं क्या है इंडियन टॉय इंडस्ट्री का। तो टॉय मार्केट बहुत ज़्यादा फैली हुई है, 450 से लेके 500 मिलियन, अराउंड 0.5 ऑफ द वर्ल्ड टॉय मार्केट है जो पैक्ड होती है अराउंड 90 बिलियन। इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन सबको पता है, इसकी वजह से टॉय इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ देखी जाती है। 1980 से मोस्ट जो टॉयज थे वो इंडिया में मेड इन इंडिया थे, बट 1991 के बाद बड़े सारे टॉयज जो थे वो चाइना से आते थे जो इंडियन मार्केट में फ्लड हो गए थे। तो आप जब भी टॉयज लेते थे आपने देखा होगा मेड इन चाइना लिखा होगा, तो वो इसी वजह से। करंटली 80% इंडियन टॉयज चाइनीज इंपोर्ट से है, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मार्केट चाइना ने हड़प ले ली है इंडियन मार्केट की। और नॉन ब्रांडेड चाइनीज जो टॉयज हैं वो अकाउंट करते हैं 90% ऑफ इंडियन मार्केट। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑलमोस्ट 75% है वर्ल्ड टॉयज का। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि इंडियन ट्रेडिशनल टॉयज को कैसे बढ़ाया जाए इंडियन मार्केट में। तो इंडिया एक ओल्ड प्ले ग्राउंड है, मार्केट ऑफ टॉयज जो बड़े सारे वैरायटी से बने हैं जैसे वुड, पॉलीमर, क्लोथ फाइबर, वुड पल्प, रबर और मेटल। इंडिया का बहुत पुराना और रिच कल्चर है स्टोरी टेलिंग का टॉयज के थ्रू, और हिस्टोरिकली इंडियन टॉयज का जो बात करें तो 5000 ईयर्स तक का है। तो एक्सकवेशन जो मिली है टॉयज का, डॉल्स का, हरप्पा और मोहनजोदड़ो में, उसमें स्मॉल चार्ट्स डांसिंग वुमेन मिली है। कुछ ट्रेडिशनल टॉयज जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स में हैं जैसे चन्नपटना और जो कर्नाटका में, चित्तकोर जो उत्तर प्रदेश में है, कोंडली कोंडपिल्ली जो आंध्र प्रदेश में, और बूंदी रेवा जो मध्य प्रदेश में। ये ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर इको फ्रेंडली है जो बड़े सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स से मिले, जैसे क्ले पेपर्स हो गया, वुड, वेजिटेबल कलर्स, इन सब से। अब आप सबको पता है कि हम वोकल फॉर लोकल स्लोगन जो आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के अंडर आ रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज ताकि वो इस पोटेंशियल को टैप कर सके और अपने इंडियन चीज़ों को बढ़ा सके। तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हो कितने बढ़िया कलरफुल टॉयज है जो कि अच्छे हैं। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के थ्रू कि वो रिवाइव करें इंडियन टॉय इंडस्ट्री को? पहला है टॉय कैथॉन 2021, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। ये स्पेशल काइंड ऑफ हैकेटन ऑर्गेनाइज है सेंटर के द्वारा। ये एम करता है कि इंडिजिनियस इंडस्ट्री को प्रमोट करें और इंपोर्ट्स को हम रिड्यूस करें। ये टीचर, स्टूडेंट, डिज़ाइन एक्सपोर्ट, टॉयज एक्सपोर्ट और स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो क्राउड सोर्स कर सकते हैं आइडियाज़ ताकि वो डेवलप करें टॉयज गेम्स जो इंडियन कल्चर, एथोस, फोक लोर्स, हीरोज और वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड हो। क्योंकि इससे अगर आप ये देखो कि आपकी सॉफ्ट इकोनॉमी या सॉफ्ट पावर भी बहुत डेवलप होती है अगर इस पे हम ज़्यादा फोकस करें तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम स्कूल करिकुलम टॉय मेकिंग भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। ये वर्कशॉप के थ्रू होगा या कोई विजिटर होंगे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में या कुछ लोकल क्राफ्टमैन्स होंगे। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि बड़े सारी चीज़ें हैं जैसे चन्नपत्तनम टॉय जो है कर्नाटका में, इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैसूर जो रूलर था टिप्पू सुल्तान वो इम्प्रेस्ड हुआ था लकूरा कोटेड वुडन आर्टिफैक्ट्स में जो रिसीव हुआ था एक गिफ्ट फ्रॉम पर्जिया 18th सेंचुरी में, और इसने इनवाइट करा था पर्शियन आर्टिस्ट को इंडिया में ताकि वो ट्रेन करें लोगों को बनाने के लिए। किंडल टॉयज भी कर्नाटका में, दोनों कर्नाटका है,
चन्नापत्तम और किन्नल, ये वुडन टॉयज हैं जो डिपिक करते हैं मोस्टली हिंदू गॉड और गॉडेस को। कोंडापल्लिया ये टॉयज आंध्र प्रदेश में है, और इसको बोमाला कोलवा जिसको दशहरा टॉयज डॉल्स भी बोला जाता है, ये बने बनाया जाता है कोंडापल्ली जो एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में। ये स्टाइल जो टॉयज का है वो इस्लाम और राजस्थानी आर्ट का मिक्स है जो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन देता है। इथी कोपाका टॉयज जो है आंध्र प्रदेश, अगेन ये टॉयज सॉफ्ट वुड से बने हैं और लेकुरा कलर से बने हैं। इसमें नेचुरल डाइज बनाए हैं जो डिराइव होते हैं सीड्स, लेकुरा रूट्स और लीव से। इसका जो वे है टॉय मेकिंग का उसको टर्न वुड लेक्योर क्राफ्ट बोला जाता है। निर्मल टॉयज़ क्या है, ये तेलंगाना में एक स्टाइल है निर्मल टॉयज़ का जो कि बहुत ब्यूटीफुली असिमिलेट हुआ है अजंता फ्लोरल और मुगल मिनिएचर में। तंजौर गुलू डॉल्स जो है तमिलनाडु में, ये ट्रेडिशनली नोन है तंजौर तल्लैता बोमाई, ये पार्ट है इकलिटिक हेरिटेज ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट जो तंजौर में है। नेक्स्ट जो है हम अब नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे हैं, साउथ से मूव करके मणिपुर में लाई पदिबी, ये डॉल एक फेमिनम इमेज है गॉड की जो शाबी क्लॉथ्स जिन्हें वेयर करें, और ये एक प्ले है जो इंटरगल पार्ट है इनके रिचुअल का। ये डॉल्स बहुत यूज होती हैं जो ट्रीट करती है लिविंग स्पिरिट। असरी कंडी टेराकोटा टॉयज जो नेक्स्ट है वो है असम में बनती है ये सिमिलर है टेराकोटा हरप्पन सिविलाइजेशन में, और ये मेड अप है असरी कंटी जो मदई कली में है, और ये क्राफ्ट विलेजेस में बनी है जो असम में बनती है। सिंगल लार्जेस्ट क्लस्टर है जहाँ पे टेराकोटा और पॉटरी क्राफ्ट्स भी मिले गए हैं। और क्या ट्रेडिशनल टॉयज है, उड़ीसा का संबल पूर टॉयज है जो पेपर मैचे और स्टोन टॉयज से मिले हैं। बिहार में कन्या पुत्री डॉल्स और सिक्की वर्क मिले हैं। उत्तर प्रदेश में वुडन टॉयज मिले हैं वाराणसी के। वेस्ट बंगाल में नटुंगरम टॉयज में डॉल्स मिले हैं। तमिलनाडु में चोप्पू सम्मान मिले हैं, और गुजरात में आपका ठिगड़ा ढिंगला मिला है, और पंजाब में चकूना मिला है जो टॉय ऑफ स्पेशल है। गगुआ है एक रैटल बॉक्स है बेबीज का। लट्टू भी मिला है जो आपको पता ही स्पिनिंग टॉप है, और हंडवाई जो किचन सेट है महाराष्ट्र में बटुकली मिनिएचर किचन सेट मिला है, और सावंतवाड़ी टॉयज मिले हैं। नेक्स्ट हम टेक्सटाइल की बात करने वाले हैं, टेक्सटाइल ऑफ मध्य प्रदेश। लोकल ट्राइब्स जैसे बरवानी जो मध्य प्रदेश में है वो ट्रेंड है बाघ महेश्वरी चंदेरी टेक्सटाइल क्राफ्ट में, जो ट्राइफाइट के साथ इंश्योर है कि वो कंटिन्यूस उनको लाइवलीहुड मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। इसमें न्यूज़ में क्या है कि मध्य प्रदेश में ये जो ट्राइब है बरवानी, ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत पुअर पॉवर्टी है। यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट नहीं है बरवानी में, लेकिन यहाँ पे बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे करगोना और दार जो जहाँ पे ट्राइबल आर्टिसंस इंगेज होते हैं बाघ पेंटिंग में, और ट्रेडिशनली वीविंग करते हैं टेक्सटाइल का महेश्वरी स्टाइल में। यहाँ पे बाघ पेंटिंग है, बाघ प्रिंट है। बाघ प्रिंट एक ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंट है जो नेचुरल कलर्स पे प्रैक्टिस होता है धार डिस्ट्रिक्ट पे जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका जो नाम है डिराइव होता है विलेज बाघ में जो कि बाघ रिवर पे होता है। इसका जो प्रिंटिंग टेक्निक है वो है कॉटन और सिल्क क्लॉथ जो कि ट्रीटमेंट देता है ब्लेंड ऑफ कोरोडेड आयरन फिलिंग, और इसमें एल्यूम और एलिजरिन एक ऑर्गेनिक रेड डाई है। जब भी कंप्लीट होता है प्रिंटिंग प्रोसेस, यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक सब्जेक्ट होते हैं रिपीटेड वॉशिंग जो फ्लो करते हैं वाटर्स ऑफ रिवर, और फिर ड्राइड अप होते हैं सन में कुछ स्पेसिफिक पीरियड पे ताकि वो फाइन लस्टर को अटेन करें। यहाँ पे जियोमेट्रिक और फोरल कॉम्पोजिशन और वेजिटेबल कलर्स आते हैं जो रेड और ब्लैक पे होते हैं ओवर वाइट बैकग्राउंड, और इस स्टाइल में बड़े सारी चीज़ें मिलती है। बाघ पेंटिंग को या प्रिंटिंग को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है 2008 में। ठीक है, तो ये तो बाघ प्रिंट। तो यहाँ पे कुछ इमेज देख लो आप चंदेरी और फैब्रिक का और महेश्वरी फैब्रिक का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे दिखते हैं इवेंचुअली।
अच्छे साड़ी है भाई। यहाँ पे माहेश्वरी फैब्रिक जो है वो कॉटन और सिल्क फैब्रिक के बने हैं, जो वूव हुए हैं जारी और ब्रोकेट का, और ये इसका डिज़ाइन वेरी करता है। प्राइमरी ये साड़ी के लिए बनाया जाता है। माहेश्वरी साड़ी जो है महेश वर्ष से आते हैं, जो नर्मदा रिवर पे है, और ये कारो गोना डिस्ट्रिक्ट में है जो मध्य प्रदेश में है। और इसमें यह है कि यहाँ पे ग्रैंडियोर है फोर्ट का जो डिज़ाइन मध्य प्रदेश में है, और उसका जो डिज़ाइन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंस्पायरिंग टेक्निक वीव करता है मोटिव को जो महेश्वरी फैब्रिक में है। इसमें कुछ पॉपुलर डिज़ाइन भी है, जैसे मार्ट पैटर्न है चटाई, जैस्मिन पैटर्न है चमेली, ब्रिक पैटर्न है और डायमंड पैटर्न है मीरा। पांच इसमें कैटेगरीज है साड़ीज़ का जो वोवन आउट होती है महेश्वरी में फैब्रिक में, जिसमें आता है चंद्र काला, बैगनी, चंद्रकला, चंद्रता और बेली। ये साड़ी ग्लॉजली और लाइट वेट पे होती है। महेश्वरी साड़ी जो है पोइटनाइज होती है रॉयल फैमिली पे जो होलाकर्स के, और ये क्रिएट हुई थी रानी अहिला बाई होलकर। यहाँ पे चंदेरी फैब्रिक के बारे में जान लें तो ये ट्रेडिशनली एथनिक फैब्रिक है जो कैरेक्टराइज होती है लाइट वेट शियर टेक्सचर के, और ये फाइन ल्यूमिनस फील पे होती है। ये प्रोड्यूस करती है वीविंग इन सिल्क और गोल्डन जरी जो ट्रेडिशनल क्लॉथ यार्न पे होती है, और इसका रिजल्ट ये होता है क्रिएट करती है सिमरिंग टेक्सचर। जो फैब्रिक है इसका जो बोरो कराता है इसका नेम वो चंदेरी मध्य प्रदेश से बोरो कराता है, और तीन चीज़ों में क्लासिफाइड है, चंदेरी सिल्क कॉटन, प्योर सिल्क और चंदेरी कॉटन। ये चंदेरी सिल्क साड़ीज़ जो हैं पेटनाइज होती हैं रॉयल फैमिली जो सिकंदरिया की है। यहाँ पे आप कोरवाई वियरिंग वीविंग देख लो। कोरवाई एक एंशियंट और कॉम्प्लेक्स टेक्सचर है वीविंग का, जो कि कंचीपुरम में होता है तमिलनाडु में। इसका जो टेक्निक है ये बड़ी बॉडी ऑफ साड़ी है जो वोवन सेपरेटली होती है वोवन, और यहाँ पे बॉर्डर सेपरेटली होता है सेम लूम पे, और दो इंटरलॉक्ड होते हैं स्किल वीविंग पे। ट्राईफाइड का देख लेते हैं, जो ट्राईफाइड इसको मदद कर रहा है। ट्राईफाइड इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 में बनी थी मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट के अंडर। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेशनल लेवल कोऑपरेशन बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, और ट्राइफाइड मैंडेट करती है जो रिंगिंग करती है अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ट्राइबल का है, जो कम्युनिटी पे होती है बहुत सारी पे। ट्राइफेड मैंडेट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल्स का, और ये इंस्टीट्यूशनलाइज करता है ट्रेड ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का और सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, SAP जो कल्टीवेट होते हैं उनके द्वारा। ये एक ड्यूल रोल प्रोवाइड करता है मार्केट डेवलपर और सर्विस प्रोवाइडर का। ट्राइब्स इंडिया एक ब्रांड है जिसके अंडर सोज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल आउट होते हैं ट्राइबल पीपल के द्वारा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये। और आप देख सकते हो बड़े सारे चीज़ें हैं इसमें। तो ऐसे ही कुछ हम देख लेते हैं जो साड़ी है या टेक्सटाइल है इंडिया में। ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो दो बहुत फेमस टेक्सटाइल या एम्ब्रॉयडरीज है, एक तो पश्मीना है और दूसरा है कशीड़ा, ठीक है। अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो यह आता है हिमाचल प्रदेश, इसमें कुल्लू शॉल फेमस है। देन आपका राजस्थान में, राजस्थान तो चलो और नीचे है, पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में है फुलकरी, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल के पास उत्तराखंड है, वहाँ पे पंचाचूली जो है ये फेमस है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, यहाँ पे वाराणसी और चिकनकरी बहुत फेमस है। और यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश में, अगर मैं थोड़ा वेस्ट की तरफ जाऊँ तो मध्य प्रदेश पे आपका चंदेरी है, महेश्वरी है, बाघ प्रिंट है जो हमने अभी डिस्कस करा। और थोड़ा वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो राजस्थान आता है, जहाँ पे कोटा, बंदानी, लहरिया ये फेमस है। और
राजस्थान से हम गुजरात की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है पटोला और घर गोला और बंधानी। ठीक है, बंधानी। अगर मैं किसी चीज़ का नाम गलत दे रहा हूँ तो फिर आप अपने हिसाब से समझ लेना, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो आप बेयर विद मी। यहाँ पे गुजरात से अगर आप और नीचे जाते हो तो महाराष्ट्र में पठानी है, और फिर गोवा में, तो मतलब महाराष्ट्र से भी नीचे आपका कुनबी है जो गोवा में, और मैसूर सिल्क है कर्नाटका की फेमस, और साउथ में जाते हैं तो आपका केरला कसावू है। अब ईस्ट की तरफ बढ़ता हूँ केरला से तो हमें तमिलनाडु दिखता है, ये कंचनीपुरम और कंजीवरम फेमस है, कोनाड फेमस है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा और जाता हूँ तो हमें आंध्र प्रदेश में वेंटागिरी, मंगलगिरी, कलमकरी ये मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। उसके ऊपर आ जाता हूँ तो हमें तेलंगाना दिखता है नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे पोचमपाली, इकाट, गढ़वाल ये कुछ मिलती है। और मैं ऊपर जाता हूँ ईस्ट की तरफ तो हमें मिलता है आपका ओडिशा, ओडिशा में बोमकाल और संबलपुरी मिलती हैं। और ऊपर जाता हूँ नॉर्थ की तरफ तो आपको झारखंड मिलता है, झारखंड में आपका कचाई सिल्क फेमस है। और आपको ईस्ट में ले जाता हूँ तो वेस्ट बंगाल में आपका टांट और खता मिलता है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ तो आपको, अगर यहाँ पे सिक्किम की तरफ ले जाता हूँ आपको, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं, लेपचा, वहाँ पे एक ट्राइब का नाम भी है लेपचा, और ये सिक्किम में। और अगर मैं और ईस्ट की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ पे हम आसाम देख लेते हैं, मुगा। और बिल्कुल ईस्ट में जाता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश मिलता है, जहाँ पे अपातनी मिलती है। और अगर मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नागालैंड दिखता है, जहाँ पे अंगमी है। ठीक है, उसके नीचे मणिपुर है, जहाँ पे पैनिक है, मोरंग घपी है, और फिर लास्ट में मिजोरम में पुअम है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है, ये चार्ट से आप आराम से याद कर सकते हो, इसको पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो तो बेस्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो आखिरी है इसका पार्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो है अदर आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़। तो यहाँ पे पहला है कोलम ड्राइंग, एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म ड्राइंग का है, जिसमें जियोमेट्रिक पैटर्न्स पे बेस होता है। तो आप देख सकते हो कुछ कुछ रंगोली जैसा, अगर दिवाली के टाइम पे जैसे नॉर्थ इंडिया में और बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हो रंगोली टाइप का जैसे दिख रहा है, कुछ इसे कोलम ड्राइंग बोलते हैं। इसका ड्राइंग जियोमेट्रिक पैटर्न्स पे है, और ये इनविटेशन होता है हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का, तो इसलिए ये डिस्प्ले करा जाता है, सेम रंगोली के साथ भी है। रॉ मटेरियल जो यूज़ होते हैं इसमें, एडिबल्स यूज़ होते हैं, जैसे राइस फ्लावर यूज़ होता है, पल्स और लीव्स यूज़ होते हैं। इनका मोटिफ में लोटस भी होते हैं, फिश भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं यूनिटी ऑफ मैन और बीस्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन जो है सर्कुलर एक्सूडिंग होते हैं, जो एक सेंस ऑफ एंडलेस देते हैं टाइम का, सन मून और जो भी जोडियक साइंस है वो भी थीम होते हैं इसमें। नेक्स्ट है वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमने इसके महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिपिक्ट करती हैं डेली का जो सोशल इवेंट्स होते हैं वर्ली ट्राइब के, जो महाराष्ट्र के है। ये पेंटिंग डिपिक्ट नहीं करते कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, बट ये सोशल लाइफ को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इमेज जो होती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का, ये उस सीन्स पे रहता है, और यहाँ पे एक लूज रिदमिक पैटर्न रहता है। पेंटिंग जो डिपिक्ट करते हैं एक सेंस ऑफ ह्यूमन फिगर जो इंगेज है किसी तरह से हंटिंग, डांसिंग या हार्वेस्टिंग। वर्ली पेंटिंग्स बहुत सीरीज ऑफ डॉट और डैशेस पे बनती है, जो एक लाइन पे बनती है, जैसे आप देख सकते हो वुमेन मेनली इंगेज होती है इन क्रिएशन में। तो आप इसको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप एक लाइन में देखो पूरी बनी हुई है, और कुछ डांस वांस चल रहा है और हार्वेस्टिंग भी चल रही है, तो बड़ी सारी चीज़ें देख चल रही है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है मधुबनी पेंटिंग, बिहार की पेंटिंग है, और ये इसको मिथाला आर्ट भी बुलाया जाता है, जो फ्लरिश होती है मिथाला रीजन बिहार में।
ये कैरेक्टराइज होती है लाइन ड्राइंग का। और यहाँ पे ब्राइट कलर्स और कंट्रास्ट और पैटर्न्स यूज़ होते हैं, जैसे आप देख सकते हो। ये ट्राइबल मोटिफ है पेंटिंग का, जो मिनरल पिगमेंट की प्रिपेयर होती है आर्टिस्ट के द्वारा। थीम्स क्या है, हिंदू डेटीज होते हैं, कोर्ट सीन्स होते हैं, वेडिंग सीन्स हो गए या सोशल हैपनिंग होगी। फॉरल एनिमल बर्ड मोटिव जियोमेट्रिकल डिज़ाइन पे यूज़ होते हैं ताकि वो फुलफिल करें। तो इसका आप देख सकते हो, जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ह्यूमन डीटी है ना। तो ये शिव और पार्वती जी हैं शायद। रोगन पेंटिंग जो गुजरात में है वो 300 साल पुरानी क्राफ्ट ट्रेडिशन पे है, जो फ्लरिश हुई थी गुजरात के कच्छ रीजन में। ये रोगन क्राफ्ट जो है विदाउट खाका यूज़ होता है, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई ब्लूप्रिंट या लेआउट नहीं होता। ये एक बेसिकली हाई कैनवास पे होता है और इसमें मेटल रॉड रहती है जो कलरफुल पेंट के थ्रू होती है। रोगन एक टेक्निक है पेंटिंग की जो फैब्रिक पे होती है, और यहाँ पे थिक ब्राइटली कलर्ड पेंट लाइक सब्सटेंस यूज होता है, जो कैस्टर सीड ऑयल के साथ होता है मिक्स। रोगन एक मिरर आर्ट है, ये पेंट स्टिकी रहता है और ट्रांसफर होता है अदर क्लॉथ्स पे। मोंगपा हैंडमेड पेपर अरुणाचल प्रदेश का, ये खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने कमीशन करा है मोपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट जो तवांग में है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो रिवाइव कर रहे हैं 1000 साल पुराना ओल्ड हेरिटेज। मोपा एक फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर है जो कि बोला जाता है मून सुगु लोकल डायलेक्ट में, और ये इंटीग्रल पार्ट होता है लोकल मोंगपा ट्राइब का जो तवांग में रहती है अरुणाचल प्रदेश। ये पेपर 1000 साल पुराना है और ये इसी वजह से इसका ग्रेट हिस्टोरिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये पेपर यूज़ होता था बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए और बड़ी सारी हाइम्स जो मोनेस्ट्री में लिखी जाती थी। मोंगपास ये पेपर बेचते थे कंट्रीज को, जैसे तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, जापान, क्योंकि वहाँ पे कोई पेपर मेकिंग इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम पे। हाउएवर जो लोकल इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिजिनस हैंडमेड पेपर ने टुक ओवर कर लिया जो इन्फीरियर चाइनीज पेपर थे। जो मोंगपा हैंडमेड पेपर है वो बनते हैं बार्क ऑफ लोकल ट्री जिसका नाम है सुगु सेंग, जो जिसके पास मेडिकल वैल्यूज़ भी है, मतलब जैसे ये जो ट्री है इसके पास मेडिसिनल वैल्यू भी है। नेक्स्ट है पुली ककली, ये टाइगर डांस है जो एक आर्ट फॉर्म है केरला का। इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आप जो देख सकते हो दृश्य, यहाँ पे टाइगर के शेप में है बंदा और उसने प्रॉपर आप देख सकते हो टाइगर की पूरा शेप है। ये परफॉर्मेंस पेंट होता है टाइगर्स की तरह और हंट करते हैं ब्राइट येलो, रेड, ब्लैक। यहाँ पे बड़े सारे डांस बीट पे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से निकलते हैं, जैसे उडुकू और ताकिल, ठीक है। पुली काली इंट्रोड्यूस हुआ था पहले, एक अर्सवाइल रूलर था कोचिन का, महाराजा रामा वर्मा सक्टन तंपुरम, 2 सेंचुरीज अगो, मतलब 200 साल पहले उन्होंने ये निकाला था पुली काली केरला वाला जो ये आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डोकरा डेकोरेटिव पीसेस वेस्ट बंगाल। डोकरा आर्टिफैक्ट्स जो है मेटल फिगर्स के बने होते हैं जो फैशनड होते हैं ब्रॉन्ज और कॉपर की में बेस्ड होते हैं, और अलॉयज यूज होते हैं जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक या कास्टिंग के थ्रू होते हैं। जो नेम है इसको मिलता है डोकरा डमर ट्राइब से, जो एक ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ है वेस्ट बंगाल की। इनमें से एक जो आर्टिफैक्ट है बहुत फेमस है, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, जो आपने पढ़ा होगा जितने भी लोगों ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है। तो इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए।